गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम वर्षा ऋतु निबंध सीखेंगे। तो वर्षनी त्रण ऋतुओ छे, शियाळो, उनाळो अने चोमासु। तो बच्चों, हमारी साल की कितनी ऋतु है, कितने सीजन है? तीन है, विंटर, समर एंड रेनी। तो बच्चों, अभी कौन सी सीजन चल रही है? तो बच्चों, हमारा शू चाले छे? चोमासु। चोमासु एटले वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। तो बच्चों, आज हम रेनी सीजन के बारे में कुछ जानेंगे। आप लोग रियल में अभी देख रहे हो तो वर्षा ऋतु मुख्य ऋतु छे। जे वर्षा ऋतु छे ने, रेनी सीजन छे ने, ये पूरे ऋतुओं में क्या है? पूरे ऋतुओं में मुख्य है। मुख्य मतलब के हेड है। ग्रीष्म ऋतुना प्रचंड तापे तपेला जीव जंतु ने वनस्पति शीतलता प्राप्त करे छे। धरती में नवचेतन प्रगटे छे ने रमणीय लागे छे। तो बच्चों, जो हमारे धरती है वो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एटले आज ग्रीष्म ऋतु छे ने, ग्रीष्म ऋतु एटले उनाळो। तो उनाळाना गर्मी थी धरती माता पूरी तपी गई छे। तो जयरे वर्षा ऋतुनो आगमन थाय छे ने, त्यारे एमां शीतलता प्राप्त थाय छे अने धरती में जाने नवचेतना प्रगटी होय रमणीय लागे छे। ग्रीष्म उत्तरी वर्षानी शुरुआत थाय छे। जो उनाळानी ऋतु छे ने, जे समर ऋतु ए उतरी जाय छे अने वर्षानी शुरुआत थाय छे। वीजळीना चमकारा थाय छे, वादळमां कड़का ने भड़का थाय छे। तो बच्चों, वीजळी एटले बिजली, चमकारा मतलब चमकना। तो आप लोगों ने बिजली का चमकारा तो अभी देखा ही होगा अने वादळमां कड़का ने भड़कानो अवाज पण थाय छे। आखू आकाश गर्जनाओथी गांजी रहे छे। जो पूरा आकाश है ना बच्चों, वो कैसे धड़म धड़म अवाज छे, गजता है, उसका अवाज आता है तो गांजी रहे छे। तूफानी पवनो वृक्ष ने हचमचावी मूके छे। तो बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा बारिश आती है, उसके साथ थोड़ा हवा आती है, कभी कभी बहुत तेज से हवा आने लगती है। तो क्या होता है, जो वृक्ष होते हैं ना, वो इधर उधर हो जाते हैं। कभी कभी तो वो गिर जाते हैं और गिर के रास्ते पे, किसी के घर पे, जहाँ भी रहता है वृक्ष, वहाँ खुद टूट के गिर जाते हैं और कितना सारा नुकसान भी होता है। धरती पर ठंडा पवन की लहर छूटे, व्याकुल बनेली सृष्टि शांत थाय छे। मतलब धरती पर ठंडा पवन की लहर, मतलब कि धरती एकदम गर्मी थी, तपी गई थी ने, तो एमने ठंडा पवन की लहर छूटे। जरे पवन आवे छे तरे एने शांत बने छे, व्याकुल बने छे, गर्मी ने कारण ये परेशान थई गई छे, ये गर्मी ठंडक ने शोधमां छे, तो एने शांति थाय छे। नदी नाळाना पाणીથી ભરચક થઈ રહે, કાચા ઘર તૂટી પડે, ઝાડો ભાંગી પડે। જે નદી નાળા એટલે મતલબ કે રિવર, નદી મેં પાણી ભરચક હો જાતા હે, વો છોટે છોટે નાળા મતલબ કે છોટે છોટે રાસ્તે પે જો બનાયા હોગા હે ના, વોઈ પાણી નિકાલને વાલા, ઉસમેં પાણી ભરચક હમે દિખાઈ દેતા હે। કાચા ઘર તૂટી પડે, ઝાડો ભાંગી પડે છે। मतलब कि जो कच्चे घर रहते हैं ना, वो टूट जाते हैं पानी की वजह से और हवा की वजह से। रास्ता बंद थाय अने पृथ्वी जाने पानी में डूबी जाती होय एम लागे छे। जो कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है ना कि रास्ते भी बंद करना पड़ता है, और ऐसा लग रहा है हम लोग जब खिड़की से देखते हैं तो कि जो धरती है वो पानी में जा रही है। बीज में नवा प्राण मुकाई ने नवा फणगा फूटे छे। बीज एटले के कोई बी अने तेमा प्राण मुकाय, पानी नु सिंचन थाय ने, एटले तेने अपने आप तेमा नवा फणगा फूटे छे। जे आपणे बीज जेवुं जोईए ने, ऊपर फणगा फूटेलो होय छे ने, एने फणगा कहेवाय। मयूरना मीठा टहुकाथी धरती गांजी उठे छे। तो बच्चों, आप लोगों को पता है मयूर एटले शुं? तो मयूर किसको बोलेंगे? मयूर एटले के मोर। तो आप लोगों को मोर का आवाज़ सुनाई देता होगा, वो टहू टहू करके बारिश को बुलाता है, उसको बारिश में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो नाचने लग जाता है। तो ये मयूर मीठा टहुकार थी धरती ने गांजी उठे छे। धरती एवं लागे छे कि जाने लीला रंगनी साड़ी पहरी एवं लागे। धरती
जे आ धरती माता छे ने, तो धरती माता एवुं लागे के धरती माता ए जाणे लीला रंगनी। तो बच्चों आप लोगों को पता है लीला अने रंग साड़ी शुं थयुं, लीला एटले ग्रीन कलर, रंग एटले कलर। तो लीला रंगनी साड़ी, साड़ी एटले मतलब जो मम्मी पहनती है ना साड़ी हमारी, वैसी साड़ी। तो धरती माता ए कौन सा कलर की साड़ी पहनी है? ग्रीन कलर की। ऐसा हमें महसूस होता है, हम लोग सब अभी देख सकते हैं कि ग्रीन ग्रीन घास ऊपर वो आ जाता है ना, तो ऐसा ही लगता है। खेतरों ने वाड़ियों महकी रहे, नदी सरोवर ने जड़ाशय पानी थी भरपूर बने। मतलब खेतरों जो अभी किसान है ना, किसान के लिए ये मौसम बहुत इम्पोर्टेंट है। किसान पूरे साल में यही मौसम को याद करता है, मिस करता है कि ये कब आई ये सीजन और हम अपने खेत में बीज बोए। तो ऐसा लग रहा है अभी सब खेतर में धान लगाया, बीज बोया, सब कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाए। तो ऐसा लग रहा है अब जो अब उनकी वाड़ी है वो पूरी महक रही है, खिल उठी है। नदी सरोवर ने जड़ाशय पानी थी भरपूर बने छे, जो सरोवर है नदी है सब में पानी पानी हो जाता है। जे जगत में अवनव चेतन लावे, मतलब जो जगत में जो गर्मी के कारण, ठंडी के कारण जो सृष्टि वो व्याकुल बनी थी, परेशान हुई थी ना, तो उसमें अभी चेतन आने लगा है। वर्षा ऋतु जारे पृथ्वी पर पधारे, तेरे पृथ्वी पंचरंगी पहरवेश धारण करे छे। तो बच्चों आप लोगों को पता है आ वर्षा ऋतु छे, इस सीजन में आपने एवं लगे कि पृथ्वी, आ पृथ्वी छे ने पंचरंगी पहरवेश एटले पहनना धारण करे छे। मतलब कि आ वर्षा ऋतु ने सीजन में ज आपने एवं लगे कि आ धरती छे ने पंचरंगी पहरवेश पहरे छे, एटले कि पांच कलर का, पंचरंगी एटले पांच कलर का। तो देखो आप लोग देख सकते हो, कहे कभी कभी ग्रीन घास उग जाता है पूरी जगह पे, जो जो जगह खाली रहती है ऐसी उस पर ग्रीन घास अपने आप उग जाता है। जो पेड़ पौधे छोटे छोटे उसमें उनके तरीके हिसाब से फ्लावर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं अलग अलग कलर के। तो सब कलर मिक्स हो गया है ना, कोई ग्रीन कलर का घास है, रेड कलर का फ्लावर है। तो हमें क्या लगता है, तो ग्रीन कलर नी साड़ी पहने एवं लागे छे। फ्लावर, कोई पौधा, कोई पेड़ जो सूख गया है उसमें वापस जान आ जाती है, तो वो भी महकने लगता है। तो एवं लगे कि आपने ग्रीन कलर नो साड़ी पहरी एवं लगे ने, धरती जाने के पूरी पंचरंगी पहरवेश धारण कर दीदो छे एवं लगे। तो बाड़को मने वर्षा ऋतु गमे छे, आई लाइक रेनी सीजन। तो बच्चों आप लोगों को भी पसंद होगा ये वर्षा ऋतु, तो आप लोग अपने नोटबुक में ये लिखो। थैंक यू।